आज से 2-3 महीने पहले अगर किशोर जैना के बारे में एथलेटिक्स में लेकर बात की जाती है, खासकर जैवलिन में, तो बहुत कम लोग उस पे दिलचस्पी दिखाते, बहुत कम लोगों को पता होता। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा को शायद किसी ने सबसे बड़ी चुनौती दी, वो भी एशियाड जैसे फ्रंट पे, वो किशोर जैना। किशोर जैना, आपका एनडीटीवी से बात करने का बेहद शुक्रिया। वो मोमेंट याद करते जी हैं कि आपने नीरज चोपड़ा से ज्यादा फेंका था, और नीरज चोपड़ा उसके बाद आपको, आप कह रहे थे कि वो मार ही डालते आपको। नहीं, सर ऐसा नहीं हुआ था। जैसे मेरे को बेहद खुशी था क्योंकि मेरा पेरिस के क्वालिफाई हुआ था, मैं उससे बहुत खुशी था। उनका आगे फेंक दिया उसका कोई मतलब खुशी नहीं था मेरे को। उस टाइम ऐसा मन में था यार मेरा पेरिस के क्वालिफाई हो गया, तो उस टाइम इसलिए मेरे को बहुत खुशी था। नहीं, लेकिन आपकी वजह से फिर उन्होंने बहुत अच्छा 88.88 जी लगाया। जी बिल्कुल नहीं, उनका पहला थ्रो भी जो मेजरमेंट हुआ नहीं, वो शायद 88-87 का समथिंग था। जो चाइनीज वजह से जी डिस्क्वालीफाई, जी जी तो लेकिन आपने उनको थोड़ी दिक्कत में तो डाली दी थी। नहीं, सर ऐसा कोई नहीं, वो तो उनका सही है तो अच्छा, चलिए, आप बहुत मॉडेस्ट पता हैं। ही वो कर लेंगे इसमें तो। किशोर, लेकिन अब आपको, क्योंकि आप उस लेवल पे पहुंच गए जहां पे एशियन गेम्स में आपको सिल्वर मेडल है और आप नीरज से कम्पीट कर रहे हैं, ये आपको एक रियलिस्टिक, आज से 10 साल पहले तो कोई मैं एथलेटिक्स में मेडल की, 25-30 साल से मैं कवर करता हूं, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि हम कभी एथलेटिक्स में मेडल जीत सकते हैं। अब आपको लगता है कि पेरिस ओलंपिक्स में एक से ज्यादा मेडल जरूर आएंगे एथलेटिक्स के थ्रू? बिल्कुल आएंगे सर, क्योंकि आप देखिए जब पिछला बार एशियन गेम्स हुआ था तो शायद 70 कुछ मेडल था, फिर अब 107, तो इंडिया सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं स्पोर्ट्स में। अभी मैं एक पैरा एशियन गेम्स में एक जेवलिन एथलीट जा रहा है, किशोर चमोली, तो मैंने उनको बोला कि भारत भारत के पैरा एशियन गेम्स के नीरज चोपड़ा है, तो बोला नहीं, मैं पैरा एशियन गेम्स का किशोर जैना हूँ। अच्छा ना, उनका बहुत क्योंकि बहुत उन धन्यवाद उनको नहीं उनका क्योंकि उनकी एक वजह थी, क्योंकि आपका आर्म थ्रो जो है वो बहुत स्ट्रांग है, और उनका भी, उनका तो क्योंकि वो फ्रेमवर्क पे बैठते हैं तो उनका भी। आर्म स्टाइल जो होता है वो उसको आपको फॉलो करते हैं। आपके लिए कितनी बड़ी बात है कि अब एथलेटिक सर्किट में लोग, जैसे मैं शिवपाल से बातचीत कर रहा था, आपके जो दोस्त हैं, तो हाँ वो कह जी, रहे थे कि बहुत मेहनती है, जब से पिछले 4-5 साल में आए 75 फेंका और उसके बाद नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी में इनको एडमिशन मिल गया, तो बोल रहे हैं कि जी बहुत मेहनती हैं और बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, जिसकी वजह से आप अच्छा कर, आपके 6 बहनें हैं, जी पिताजी धान की खेती करते हैं, जी राइस की खेती करते हैं, है ना? जी तो आपके जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव कैसे आया? जैसे आपने स्पाइक मिला, है ना, हाँ सबसे जी, पहली बार स्पाइक देखा आपने, तो वो कब मिला और क्या खुशी हुई? फिर ऐसा हमारी होता है बात होती है। जैसे हम एक बार कलिंग स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मैं शू में कर रहा था तो मैं गिर गया था, तो मेरा थाई साइड में छिल गया था पूरा। तो उस टाइम कोच ने बोले यार तेरे को मैं सिखाऊंगा नहीं, जब स्पाइक नहीं आएगा तो फिर तो सिखाऊंगा नहीं। फिर जाके स्पोर्ट्स, उस टाइम स्पोर्ट्स हॉस्टल में 3 स्पाइक मिलता था शायद, जो 1200 रुपये का एक स्पाइक आता था, 1200 700 कुछ आता था, तो मेरे को तीनों मिला के एक स्पाइक दिए थे जो हेल्थ का आता था, शायद 2700 या 2800 3200 के आसपास था वो रेंज, तो वो दिए थे। तो फिर मेरे को ऐसे डर डर लग रहा था कि मैं उसमें करूंगा या गिर जाऊंगा, तो उसका फील पता नहीं था कि वो कैसे रिस्पॉन्स करेगा उस टाइम। तो धीरे धीरे उसको सेट होता रहा, फिर परफॉर्मेंस भी बढ़ता रहा, तो ऐसे ही जस्ट फन टाइप के शुरू किए थे हम 14-15 में, तो इतना पता नहीं था आगे क्या करना है क्या नहीं करना, कोई गोल भी नहीं था, तो अभी तो काफी गोल है आगे के लिए। तो मतलब 20 साल की उम्र में आपने पहला बार स्पाइक पहना, जी 20 साल की उम्र थी आप, जी 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 तो अभी अब तो मतलब जो फैसिलिटीज इतनी मिल रही है, या फिर आप मतलब 85-87 मीटर आपने फेंक दिया, आपको लगता है कि एक जो बार बार नीरज से जो सवाल पूछा जाता है, और नीरज ने कहा भी कि आप भी हैं, डीपी मनु है, बहुत यश हैं, बहुत सारे लोग हैं, आपको लगता है कि 90 मीटर जो है वो जल्दी आप क्रॉस कर जाएंगे? सर मैं 90 मीटर मार्क तो दे नहीं रहा हूँ, मैं मेरा अपना पर्सनल बेस्ट के लिए फोकस कर रहा हूँ। हो सके 90 मीटर क्रॉस हो जाए, ना हो पाए तो मैं मेरा पर्सनल बेस्ट के ऊपर ही फोकस कर रहा हूँ सर। अच्छा, आप वॉलीबॉल खेलते थे और जी ये जेवलिन करते थे, आपका पहला स्पोर्ट में प्यार क्या था, और दूसरे कौन सा स्पोर्ट आप देखते हैं? सर, वॉलीबॉल को छोड़ के मेरा क्या, और जैवलिन को दोनों छोड़ के और किसी स्पोर्ट का मैं फॉलो नहीं करता हूँ। लेकिन वॉलीबॉल आप करना चाहते थे नेशनल लेवल वॉलीबॉल पे मेरा फेवरेट गेम है वो अभी भी, तो अभी भी। अब इसमें क्या, अब क्या हासिल करना है? जैसे
एशियन गेम्स का सिल्वर हो गया, नीरज के साथ हो जी गया, ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में अच्छा आपने परफॉर्म किया, क्या है टारगेट? हाँ सर, अभी तो आगे ये पेरिस का है, बस उसी के ऊपर फोकस है सर जी। ऐसा दिन था जो पेरिस के लिए सोचना पड़ता था, क्वालिफाई हो जाएगा तो बढ़िया होगा, क्या फिर नहीं होगा तो क्या करें, क्योंकि इतना साल से कर रहे हैं, काफी साल से घर भी नहीं गए, इसी का पेरिस का चक्कर में थे। तो अब जो आज क्वालिफाई हो गए तो फिर आगे उसी के बारे में सोच रहे हैं, बस अपना पर्सनल बेस्ट करेंगे तो शायद अच्छा मेडल के अंदर आ भी सकते हैं, तो या जैवलिन 90 भी छू सकता है, तो ऐसा शायद आपको बढ़िया देखने को मिलेगा, जो भी मिलेगा आपको तो बढ़िया ही मिलेगा देखने को। अच्छा किशोर, एक एक जो चीज है इस समय, क्योंकि आपको लोग जो बहुत गांव गरीब, आपने लड़कों को भी देखा आए, आपने भी बहुत गरीबी देखी है, आपके लिए सबसे मुश्किल वक्त क्या था? क्योंकि उस टाइम मेरे को जब नौकरी का पहले वो घर से पैसे मांगना पड़ता था, एंड मैं जो वॉलीबॉल खेलता था उसमें भी कुछ पैसे कमाए होता था, तो वो सारा चीज उस टाइम था थोड़ा स्ट्रगल का टाइम। बाकी फिर जॉब लग गया तो फिर धीरे धीरे पैसे आने लगा, तो आई थिंक उसका बाद सारा धीरे धीरे सेट होने लगा। बाकी उसके पहले जो 2014 एंड 18 के बीच में था, तो 4 साल 5 साल वो थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए। हमको हॉस्टल में जो भी फूड मिलता था नॉर्मली खाने का, तो हम उसी से रिकवर कर लेते थे, एंड जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट वो लेते नहीं थे। जब एक्स्ट्रा सप्लीमेंट में लिया तो 2018 में नौकरी लगा मेरा, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेने लगा मैं, उसका पहले नहीं लिया था। उसके पहले नहीं लिया, और जो जरूरी होता है प्लेयर के लिए, बिल्कुल बिल्कुल तो मतलब 2018 के बाद आपने लिया, इतना फास्ट डेवलपमेंट कैसे हुआ किशोर के? मेरा 2014 या 2015 पे मैं जाविंग स्टार्ट किया था। जैसे सर 2018 स्टार्ट किए तो 22 तक मैं 75 मीटर के अंदर ही था। इस साल मेरा थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, शायद मेरा पहला कंपटीशन था जैवलिन थ्रो चैंपियनशिप था, थ्रोइंग चैंपियनशिप था बेलारी में, तो 78.05, तो ये मेरा था पर्सनल बेस्ट था इस साल स्टार्टिंग से। तो मैं लगभग कंटिन्यू जितना कंपटीशन खेल रहा हूँ तो इतना पर्सनल बेस्ट होता रहा है, तो आई थिंक भगवान का बहुत बहुत कृपा है मेरा ऊपर, तो ऐसा हो रहा है। एंड हम भी जो कंपटीशन हमारा खराब हो रहा है उससे भी कुछ सीखते हैं, और फिर वो दूसरा कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, उसको ऐसे करते रहते हैं कंटिन्यू पहले पेरिस में चेंजिंग। आपसे क्या ही उम्मीद करें, और जैवलिन टीम से क्या उम्मीद करें, एथलेटिक्स से? हाँ सर, पेरिस से तो आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, एंड हमारा उम्मीद है बहुत अच्छा करेंगे। 90 मीटर मार्क से वो कुछ मार्किंग नहीं है मेरा, मेरा बस पर्सनल बेस्ट करो, 1 सेंटीमीटर हो फिर भी पर्सनल बेस्ट करना है। अभी रिले का भी बढ़िया चल रहा है, शॉट पुट का भी, और नीरज भाई तो है ही, तो बाकी ओवरऑल सारे बढ़िया करेंगे, क्योंकि जो एशियन गेम्स पिछला बार एशियन गेम्स हुआ था उसको और इसको देखने से तो काफी फर्क है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है आगे जो आगे आने वाले दिन है तो बहुत अच्छा करेंगे सारे एथलीट। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, आप बहुत पोलाइट हैं, ऐसे ही बने रहिए और अच्छा परफॉर्म करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, एनडीटीवी से बात करने का बहुत शुक्रिया।